या स्पोर्ट्स कार में मस्टैंग सबकी फेवरेट कार है, कोई बोले कि भाई उनको वो पसंद नहीं है तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो। और ऐसी ही एक गाड़ी के सामने मैं खड़ा हूँ यार, आप लोगों को ये गाड़ी मिले कितने की ले लोगे? अगर आप लोगों को 10 से 15 लाख रुपए की मिले तो आप लोगे या नहीं लोगे? क्योंकि मैं अभी खड़ा हूँ क्रैश कार ऑक्शन में। दुबई में तो एक वैसे ही कार सस्ती होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना माइनर सा डैमेज भी होना, जिससे आप गाड़ी का सिर्फ ये डैमेज है ये, तो इसकी वजह से ये क्रैश कार ऑक्शन में आ गई। मैं आपको दिखाता हूँ, और कहीं से कोई डैमेज नहीं है भाई, ठीक है। ये रन एंड ड्राइव कर उन्होंने लगाया हुआ है, रन एंड ड्राइव कार है, सोल्ड हो गई है ऑक्शन में। खैर बहुत नेक्स्ट लेवल से गाड़ी है, आप लोगों को मैं इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, ये चेक करो इसका इंटीरियर। ओए होए होए होए, कमाल यार, कमाल कमाल, कहीं से कोई भी इस गाड़ी में डैमेज नहीं है, कोई एयरबैग नहीं खुला हुआ इसका, और फिर भी ये गाड़ी जो है यहाँ पे ऑक्शन में आ गई है और बहुत ही चीप प्राइस पे सेल हो चुकी होगी। इसकी बैक चेक कर लो, कहीं से कोई डैमेज नहीं। खैर इस तरह की आप लोग गाड़ियाँ खरीद सकते हो, ये देखो जीटी का लोगो, क्योंकि यहाँ पे और भी ये देखते ना डैमेज डैमेज गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ज़्यादा डैमेज वाली भी मिलती है, कम वाली भी मिलती हैं। दुबई में टैक्स तो वैसे है नहीं, तो 5% टैक्स आ रहा, तो इसलिए और भी चीप गाड़ियाँ।